हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एप्स की दुनिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप नया फ़ोन ले रहे हो तो उस टाइम अगर आपका पुराना फ़ोन है उस फ़ोन का सब कुछ आप कैसे बैकअप करके उस नए फ़ोन में ले जा सकते हो, तो आज मैं बताऊंगा कि आप किसी भी फ़ोन में कैसे बैकअप कर सकते हो एक गूगल अकाउंट में, क्योंकि अभी सेटिंग जो है बदल गया है हर एंड्रॉयड फ़ोन में। कैसा सेटिंग करना है, कैसे बैकअप करना है, फिर फैक्ट्री डाटा रीसेट करके फिर से मोबाइल को नया जैसे बनाना है, पूरी तरह से इस वीडियो में बताया। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत करता हूं आपका ही इस YouTube चैनल एप्स की दुनिया में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप कभी भी आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या आपका फ़ोन कभी आप चाहते हो कि मोबाइल बहुत हैंग कर रहा है उस टाइम आपका फ़ोन को फिर से रीसेट करने के लिए बैकअप करके, तो कैसे करोगे? आपका जैसे जो भी ऐप है, जैसे मेरे फ़ोन में गूगल है या वाइट स्टूडियो है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, ये जो भी ऐप है ये ऐप भी रहेगा, और जो मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट पर है जैसे व्हाट्सअप में मैसेज, फ़ोटो, सब कुछ कैसे आप बैकअप करके रख सकते हो, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना लास्ट तक। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना होगा, जो वीडियो देख रहे हो आपको एक रिक्वेस्ट है, जो वीडियो देख रहे हो वीडियो को कर देना है लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आपको सब्सक्राइब करके इसके साथ बेल आएगा, ऑल वाला बेल पे आपको दबा के रख देना है, और जो वीडियो देख रहे हो सिंपली नीचे ऐड अ पब्लिक कमेंट आएगा, यहां पे आपको एक कमेंट कर देना है, फोन फील लिख देना है, डाटा फील लिख देना है, बैकअप, बस इतना कमेंट आपको यहाँ पे कर देना है। जैसे आप ये कमेंट कर देते हो फ़ोन डाटा बैकअप, तो कमेंट हो जाएगा, और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे कमेंट हो जाएगा, कमेंट हो जाने के बाद फिर दोस्तों आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको करना क्या है, आपका फ़ोन का जो सेटिंग है सिंपली सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर सर्च सेटिंग आएगा, तो क्यों मैंने इसीलिए सर्च सेटिंग करा रहा हूँ, क्योंकि हर एंड्रॉयड फ़ोन का सेटिंग अलग अलग है। जैसे मेरे इस फ़ोन का सेटिंग में जो है अबाउट फोन में जाने के बाद सिंपली यहाँ पे बैकअप एंड रीसेट मिल जाता है, तो शायद आपको यहाँ पे ना मिले, इसीलिए आपको यहाँ पे सर्च सेटिंग में यहाँ BACKUP जैसे आप बैकअप सर्च करोगे तो आ जाएगा, बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि लोकल बैकअप रहता है, फिर ऑटो बैकअप्स, फिर रिस्टोर फ्रॉम, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली लोकल बैकअप इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करोगे फिर आपका पैटर्न आएगा, पैटर्न अनलॉक कर लेना है। जैसे कर लोगे फिर यहाँ पे इस तरफ से बैकअप योर डाटा सेटिंग एंड ऐप्स, तो आपको इससे पहले और एक काम करना है, नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते हो बैकअप अकाउंट, जो कि यहाँ पे आपके फ़ोन में जो जो ऐप है, जो जो जैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट है, किसी का नंबर है, आपके फ़ोन में कितना फ़ोटो वीडियो है, सब कुछ बैकअप हो जाएगा। तो इसके लिए बैकअप अकाउंट में क्लिक करना होगा, कर देने के बाद जो भी आपका गूगल अकाउंट है, जैसे मैं यहाँ से गूगल अकाउंट सिलेक्ट किया, और जैसे ये गूगल अकाउंट मैंने सिलेक्ट किया, कर देने के बाद इस तरफ से सिलेक्ट किया, कर देने के बाद इस तरफ से बैकअप ऑन योर डिवाइस गूगल वन, तो आपको ये सारा का सारा टर्न ऑन में क्लिक कर देना है, और टर्न ऑन में क्लिक कर देने के बाद ये हो जाएगा ये काम। फिर आपको लोकल बैकअप्स में क्लिक करना है, और कर देने के बाद फिर आपका पासवर्ड अनलॉक करना है, और फिर यहाँ पे बैकअप में क्लिक कर देना है। जैसे बैकअप में क्लिक कर दोगे देख सकते हो सिस्टम बैकअप आएगा, जो कुछ सिस्टम में जैसे है क्या क्या है, MI ब्राउज़र सेटिंग, वाईफाई सेटिंग, सिक्योरिटी, ब्लॉक लिस्ट, गैलरी का फ़ोटो देख सकते हो, थीम्स, मैसेज जो जो है सब कुछ बैकअप होगा यहाँ पे, जो जो बैकअप यहाँ पे होगा दिखा रहा है, फ़ोन सेटिंग, कॉल हिस्ट्री, फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट बैकअप होगा देख सकते हो, फिर ओके कर देना है। फिर ऐप्स में क्या क्या ऐप्स है, जैसे 108 मेरे फ़ोन में 108 ऐप्स है, और जो भी ऐप्स है यहाँ पे जैसे देख सकते हो जो जो ऐप है सारा का सारा बैकअप यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और कर देने के बाद फिर मैं बैकअप में क्लिक करता हूँ, फिर बैकअप्स में नॉट वर्क, सम ऐप्स में नॉट बी एबल टू बैकअप एंड रिस्टोर, गॉट इट पे क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ पे आपको जस्ट वन सेकेंड देख सकते हो कॉल हिस्ट्री ये बैकअप हो रहा है, फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स बैकअप हो जाएगा, फिर मैसेजिंग जितना भी मैसेज मुझे किया है किसी ने सब कुछ बैकअप होगा, फिर यहाँ पे देख सकते हो जो जो मैंने मेरे फ़ोन में कैमरा सेटिंग, फिर फ़ोटो, सब कुछ यहाँ पे बैकअप हो जाएगा, जैसे 1% बैकअप हो रहा है। और ये बैकअप होने के लिए आपका फ़ोन में जितना ज़्यादा फाइल रहेगा तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मेरे फ़ोन में ज़्यादा फाइल है तो इसलिए मैं वीडियो को पोस्ट करता हूँ, और ये लगभग मान के चलो कि आपका फ़ोन में बैकअप होने के लिए लगभग तो 3 से 4 मिनट लगता ही है। तो दोस्तों, ये जो बैकअप होना है ये हो गया है, ये होने के लिए लगभग मेरा 4 से 5 मिनट समय लगा है, जो कि मैंने पोस्ट किया था वीडियो को, तो यहाँ पे कंप्लीट देख सकते हो 100%, फिर आपको फिनिश में क्लिक कर देना है।
और जैसे फिनिश में क्लिक करोगे, जैसे ये मेरा बैकअप है 2.22 GB, 24 सिस्टम डाटा फाइल्स, 69 ऐप डाटा फाइल्स, सब कुछ यहाँ पे बैकअप हो चुके हैं। फिर आपको करना क्या होगा, बैक आ जाना है फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि गूगल अकाउंट पे आपको क्लिक करके ये आपको यहाँ पे देख लेना है, जैसे यहाँ पे बैकअप सब कुछ हुआ कि नहीं, ठीक है। और फिर यहाँ पे बैकअप के यहाँ पे 2452 MB 100 ऐप्स में लगा है, फोटोज़ एंड वीडियोस, फिर SMS एंड कॉल्स हिस्ट्री 3 MB, फिर डिवाइस सेटिंग सब कुछ यहाँ पे बैकअप हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे जो है आपको करना क्या होगा, आर्स ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट आप यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करोगे जैसे यहाँ पे ऑल फाइल्स ऑन द फोन, फिर फॉर्मेट मॉस्क SD कार्ड, तो आपको फॉर्मेट मॉस्क SD कार्ड में क्लिक करके रीसेट फोन कर लेना है। और रीसेट फोन करने के बाद फिर जिस जो आपका अकाउंट गूगल अकाउंट दिया था जिसमें आपने बैकअप लिया था उसी गूगल अकाउंट को क्लिक करना है, और कर देने के बाद फिर पुराना जो भी ऐप होगा जो भी फाइल होगा सब कुछ आपके फ़ोन में आ जाएगा। या चाहे तो आप नया फ़ोन में भी यही ट्राई करो, फिर भी आपको उस नया फ़ोन में आपके नया जो ईमेल पे आपने बैकअप लिया था उसी ईमेल को डालना है, फिर सब कुछ आ जाएगा इस तरफ से। तो बिल्कुल आसानी से आपको मैंने समझाया, तो इस तरह से आप बैकअप ले सकते हो और बैकअप लेके आपके फ़ोन को रीसेट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया, जैसे कि मैंने इस फ़ोन में जो भी बैकअप था पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट बोलो, जो भी फाइल बोलो, जो भी फोटो वीडियो बोलो, सब कुछ बैकअप किया। तो इस तरह से फिर बैकअप करने के बाद जैसे मैंने बताया, तो अगर आप चाहते हो तो इस तरह से उसको बैकअप लेके फिर दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और उसके साथ घंटे भी दबा देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कोई भी प्यारा सा कमेंट कर सकते हो या सवाल करना चाहते हो मेरे बारे में, मुझे पूछना चाहते हो कुछ भी, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, जय हिंद।